नमस्कार, मैं एडवोकेट सौरभ कुणाल, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पे हम चर्चा करते हैं बहुत सारे लीगल और फाइनेंशियल इश्यूज का। तो मित्रों, आज हम चर्चा करने वाले हैं भारतीय दंड संहिता की धारा 127 यानी कि इंडियन पेनल कोड का सेक्शन 127। यहाँ पे हम जानेंगे कि यदि कोई व्यक्ति किसी ऐसे वस्तु को हासिल करता है या खरीदता है जिसे धारा 125 या 26 में बताए गए कृत्यों से हासिल किया गया है, यानी कि किसी ऐसे मुल्क या देश में लूटपाट या हड़प कर वैसी वस्तु को लाई गई है जिसके साथ भारत का मैत्री संबंध है, तो अगर कोई व्यक्ति ऐसे वस्तुओं को खरीदता है तो उसके लिए क्या प्रावधान है भारतीय दंड संहिता में, इसका उल्लेख धारा 127 भारतीय दंड संहिता की धारा 127 में किया गया है। तो आज के इस वीडियो में धारा 127 के ऊपर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि धारा 127 में क्या है प्रावधान और इसका विश्लेषण करेंगे। लेकिन उसके पहले मित्रों, मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि अगर अब तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और साथ में बेल बटन जरूर दबा दें ताकि इस चैनल के जितने भी अपडेट्स हैं आप तक नोटिफिकेशन में पहुंच जाए। मित्रों, साथ में ये भी कहना है कि आप एक बार हमारे यूट्यूब चैनल पेज को जरूर विजिट करें, यहाँ बहुत सारे प्लेलिस्ट हैं लीगल इश्यूज पे और बहुत ही नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज हैं इन प्लेलिस्ट में, जैसे कि प्लेलिस्ट है लीगल ड्राफ्टिंग, सीआरपीसी, आईपीसी और भी बहुत सारे इश्यूज पे। तो एक बार आप हमारे पेज को जरूर विजिट करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को। यहाँ पे हम धारा 127 के बारे में बात करेंगे। धारा 127 में यदि कोई व्यक्ति उन संपत्ति या उन वस्तुओं को खरीदता है जिसे धारा 125 या 126 में किए गए कृत्यों के द्वारा हासिल किया गया है, यानी कि कोई व्यक्ति जब ऐसे वस्तु किसी वस्तु को खरीदता है जो कि ऐसे मुल्कों से लूटे गए हैं या हड़पे गए हैं जिनके साथ भारत का मैत्रीपूर्ण संबंध है, तो वैसी स्थिति में वह व्यक्ति जो उस वस्तु को खरीदता है वह सजा पाने का हकदार है और इसके लिए 7 वर्ष तक की सजा दी जा सकती है। धारा 127 में इसके ऊपर प्रावधान है। तो आज के इस वीडियो में पहले हम उस प्रावधान को जानेंगे जिसका वर्णन सेक्शन 127 ऑफ द इंडियन पेनल कोड में है और फिर हम आगे इसका विश्लेषण करेंगे। तो सेक्शन 127 ऑफ द इंडियन पेनल कोड सेज रिसीविंग प्रॉपर्टी टेकन बाय वार ऑन डिप्रेडेशन मेंशन्ड इन सेक्शन 125 एंड 126। यानी जब कोई व्यक्ति इस तरह की वस्तुओं को प्राप्त करता है जो कि लूटपाट से ली गई है सेक्शन 125 और 126 के कृत्यों के द्वारा, तो वैसी स्थिति में क्या है प्रावधान देखिए। Whoever receives any property knowing the same have been taken in commission of any offence mentioned in section 125 and 126 shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years and shall also be liable to fine and forfeiture of the property so received। यानी कि जब कोई व्यक्ति यह ज्ञात होने के बाद भी कि जो संपत्ति वह खरीद रहा है वह धारा 125 और 126 यानी दूसरे देश ऐसे देश से लूटपाट या हड़प कर लाई गई है जिसके साथ भारत का मैत्रीपूर्ण संबंध है, तो उसे 7 वर्ष तक की सजा दी जा सकती है, साथ में जुर्माना भी हो सकता है और उस संपत्ति को जब्त भी की जा सकती है। तो आगे क्लासिफिकेशन, इस अपराध के क्लासिफिकेशन में आपको बता दूं कि मित्रों यह एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है, यानी कि एक संज्ञेय अपराध है। इसमें अगर पुलिस को सूचना मिलती है तो बगैर कोर्ट के वारंट के वह आरोपी को गिरफ्तार कर सकता है। साथ ही मैं मित्रों ये भी कहना है कि यह एक नॉन बेलेबल यानी कि गैर जमानती अपराध है। इसमें जमानत जो है वह कोर्ट से ही मिल सकती है, पुलिस स्टेशन से नहीं मिल सकती और इसके लिए कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल करना होगा। तीसरी जो चीज़ है वह यह है कि ऐसे जो केस है इसकी सुनवाई सिर्फ और सिर्फ सत्र न्यायालय में होती है यानी कोर्ट ऑफ सेशन में होती है। चौथी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐसे मामलों में कॉम्प्रोमाइज यानी समझौते की कोई गुंजाइश नहीं होती। तो यह था हमारा वीडियो सेक्शन 127 ऑफ द इंडियन पेनल कोड पे। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के हमें जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक करें और इसे अपने दोस्तों और मित्रों के बीच में शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।